ये रहे जी सारे चारविक इंतजामिया और पीछे जो लंगर का इंतजाम है वो रखा हुआ है इन्होंने। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमा बज़्म हदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं आपका अपना शिराजी, तो जैसा कि आप जानते हैं आज 12 रबीउल अव्वल है, तो आज का दिन बहुत ही मुकद्दस दिन है जिसकी मुनासबत के साथ चारवा गाँव, जिसका मैंने कल व्लॉग बनाया था और मैंने आपको बताया था कि ये कल हम इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। आज का ये दिन है, मैं मौजूद हूँ चारवा के अंदर और यहाँ पे सीन कुछ ऐसे है कि लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ अपनी गलियां सजाई हुई हैं, अपनी महफिलें मिलाद और जो भी अपना निज़ाम होता है लंगर वगैरह का, वो भी सारा सीन किया हुआ है। यहाँ से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि यहाँ से निकलना था जुलूस और मैंने सोचा कि वो मैं निकलने दूँ। और जो इन्होंने इतने इंतजाम किए हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत है इनकी और ये कितने सालों से करते आ रहे हैं और इस गाँव की हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पुरानी है और वह भी सारा कुछ आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं आपको उस जगह पे पहुंच के जो कल मैंने आपको दिखाई थी कि ये अभी तैयार हो रही हैं, कि मजीद तैयार होंगे। तो चलते हैं सीधा सजावट वाली जगह। हम अभी मौजूद हैं चारवा के जो इंतजामिया हैं, ये सदर अंकल मकसूद जो कि चारवा के रिहायशी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये जो जितना भी निज़ाम यहाँ पे होता है इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, यहाँ की कमेटियाँ कैसे बनी हुई हैं, ये पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं और कितनी इनकी कावश है, कितनी देर पुराना सारा निज़ाम चला रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ये कदों का निजाम शुरू हो रहा है? 10-12 साल तो हो रहे हैं। जो पैसे वगैरह कट्ठे होंगे ने कोई कमेटी से? बिस्मिल्लाह, कमेटी दे भी देंदे ने, बाहरों पैसे हुंदे भेजदे जिहड़े मुंडे तुहाडे दोस्त बाहर गए ने पैसे वगैरह, ओह सारे फिर उत्थे रेवेन्यू भेजदे ने। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही असीं सपोर्ट करने आ। माशाल्लाह जी, यहां का जो इंतजामिया का माहौल है, आपस में जो गठबंधन है इतना मजबूत है कि हमारे एरिया में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो ऐसा बंदोबस्त करता हो इस नदी के मौके पे। अल्लाह पाक इन्हें जजाए खैर दे और मजीद बढ़ चढ़ के ये काम करने की तौफीक दे। इसके आपको मैंने सारे मनाजर दिखा दिए हैं जो इन्होंने मेहनत की हुई है। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पे कल भी काम चल रहा था इंतजामिया, वहां पर भी लगी हुई थी। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड पे।
ये रहे जी सारे चारवे की इंतजामिया और पीछे जो लंगर का इंतजाम है वो रखा हुआ है इन्होंने। और सीन ये है अभी बिल्कुल नज़दीक है जुलूस को, फिर यहाँ पे भी महफिल मिलाद वगैरह होगी और उसके लिए कुर्सियाँ वगैरह लग गई हैं और कारपेट ऑलरेडी बिछा हुआ था और यहाँ पे सारी आवाम बैठेगी। तो शायद फरमाते हैं कि बैठे अक्सामा में काबा। ये जी इनकी इंतजामिया आप देख सकते हैं कितनी मुनहजम है। लें जी साद भाई और दानिश भाई मेरा वेट कर रहे थे जी बाहर खड़े होके और मैं अंदर गया हुआ था और अभी अंदर जी महफिल मिलाद जो है वो उसका अहतमाम हो गया जी, ख़त्म हो गई है वो। तो वहाँ पे अभी लंगर का रश जो है ना, जैसा आपको पता है हमारी पाकिस्तानी कौम का जो लंगर का रश डालती है, वहाँ पे वो रश डल गया हुआ था और बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूँ। अभी आप देख सकते हैं गेट की तरफ कोई रश नहीं है, मतलब सारे बंदे लंगर की तरफ गए हुए हैं। तो अभी चलें जी वापस। बंदे आके गए ने, तो जी चलते हैं हम वापस सीधा घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो का मज़ा आया, अगर वीडियो का ज़रा सा भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।